Hi dear friends, click on the like button and the subscribe button and hit the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की, जो कि 2017 वर्जन आई है और इसको लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को। तो इसकी पहली सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूरी लगभग अपन इस वीडियो में बात करेंगे अपन की अब तक इसकी लगभग 4 सर्विस हो चुकी हैं और इसमें क्या क्या खर्चा आया है, क्या क्या कमी आई है और कितना क्या अभी तक की कॉस्ट लगी, इसकी टोटल एवरीथिंग काउंट करेंगे अपन, चाहे ब्रेक पैड हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग काउंट करेंगे। तो वो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट सर्विस में बात करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट सर्विस पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आप इस पर किलोमीटर देख सकते हैं कितनी चली हुई है, 10,444 लास्ट सर्विस की 10,000 पे हुई है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सर्विस की बात करते हैं। फर्स्ट सर्विस इसकी 500 किलोमीटर पे होती है दोस्तों, वो कि एकदम फ्री होती है, जो कंपनी देती है अपन को, उस पर लेबर वगैरह नहीं लगती है। इसमें ऑयल चेंज हुआ था खाली और एक ऑयल फिल्टर चेंज होता है, दो चीज़ें चेंज होती हैं। ऑयल फिल्टर यहाँ आता अपना और इंजन ऑयल डलता है 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर इसमें ऑयल डलता है और ऑयल फिल्टर, दो चीज़ें चेंज होती हैं फर्स्ट सर्विस में, और कुछ भी नहीं होता है। और चेन वगैरह को ल्यूब कर देते हैं वो बस। तो उसके अगर अपन करवाना चाहें तो पूछ लेते हैं, तो 150 रुपये उसके एक्स्ट्रा ले लेते हैं, स्प्रे आता है एक, अगर नहीं करवाना चाहें तो 150 रुपये माइनस हो जाते हैं। लेबर वगैरह कुछ नहीं लगता, लगभग अराउंड 900 से 1,000 रुपये के बीच में इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाती है। तो ये था इसका फर्स्ट सर्विस का। देन इसकी नेक्स्ट सर्विस होती है, आपको दिखाता हूँ मैं, 500 के बाद में होती है इसकी नेक्स्ट सर्विस 3,500 किलोमीटर पर, सेकेंड सर्विस। तो 3,500 किलोमीटर पर अपने क्या क्या चेंज होता है, वही सब चीज़ें सेम रहती हैं, एक तो ऑयल और एक ऑयल फिल्टर, दोनों चीज़ें वही चेंज होंगी, एक वही ल्यूब वाला सिस्टम जो मैंने बताया था आपको वही सेम रहेगा, और ल्यूब करवाना है तो आपकी मर्जी, नहीं करवाना है तो आपकी मर्जी। एयर फिल्टर इसका सर चेंज नहीं होता है, सेकंड में सेम रहता है, बस साफ़ वगैरह कर देते हैं वो स्प्रे मार करके, हवा मार के। तो ये सब सारी चीज़ें बात रही। देन इसकी थर्ड सर्विस की बात करते हैं, जो कि होती 6,500 या 7,000 किलोमीटर पर, तो अपन ने 7,000 पे करवाई थी। 7,000 किलोमीटर पर अगर सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उनने चेंज किया था, एक तो उसमें क्या है कि बहुत टाइम से वो खड़ी हुई थी, तो खड़ी रहने के चक्कर में क्या है, एक तो मैं बता दूं आपको इसकी चेन क्या है, ल्यूब वगैरह नहीं हुई थी तो इस वजह से क्या ख़राब हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर ल्यूब वगैरह करके रखें आप, एक तो इसमें ये दिक्कत आती है, तो देख सकते हैं आप इसमें चेन अपन ने एक तो नहीं डलवाई थी उस टाइम पर 7,000 किलोमीटर पर, तो क्या है पूरी कड़क हो जाती है अगर इसको आप परफेक्टली टाइम टू टाइम इसको ल्यूब नहीं करेंगे या फिर ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसको टाइम टू टाइम इसमें टाइट करवाना पड़ता है इसके चेन वगैरह को, तो इस हिसाब से ये सही रहती है, नहीं तो इसका चेन चक्का भी ये खाने लग जाएगी तो ये ज़्यादा चलेगा नहीं। वैसे चेन चक्के की लाइफ इसकी होती है अराउंड 20 से 25 हज़ार अराउंड होती है, अभी तक तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10,500 चली है गाड़ी 2 साल में। टायर वगैरह एकदम सेम वही है, कंपनी के साथ में जो आए हैं भी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, शॉकर में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अपन बात कर रहे थे इसकी सर्विस की, देखते चेन इसमें चेंज हुई थी, देन आपको बता दूँ मैं, आप देख सकते हैं इसमें ये जो डिस्क आता है इसमें, इसमें यहाँ पे पैड आता है, तो आप देख सकते हैं ये दिख रहा होगा आपको इधर, ये रहा इसका पैड, डिस्क ब्रेक का जो पैड आता है वो चेंज हुआ था इसका, तो 7,000 में वो घिस चुका था इसका। तो जैसे अपन बैग जो इसका ब्रेक होता है उसकी जगह अपन ज़्यादा अपन फ्रंट यूज़ करते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता था, तो 7,000 में ये लगभग घिस जाता है, वैसे भी अगर ज़्यादा भी नहीं करेंगे तो भी 8-10 हज़ार में तो घिस ही जाएगा। तो ये चेंज हुआ था, एक चेन चेंज हुई थी। देन अपन बात करते हैं और इसके, देन इसका ऑयल फिल्टर और इसका एक इंजन ऑयल 2.5 लीटर, देन ये एयर फिल्टर वापस से ने साफ किया था, चेन वगैरह स्प्रे कर दी थी वापस से, सेट कर दी थी, ये सारी चीज़ें हुई थी इसमें। इसमें अराउंड खर्चा आया था दोस्तों लगभग 1700-1800 रुपये खर्चा आया था इसमें लगभग, ये सारी चीज़ें होने में। देन इसकी नेक्स्ट सर्विस जो अपन ने रिसेंटली कराई है उसकी बात करते हैं, ये कराई है 10,000 किलोमीटर पर, हर 3,000 या 3,500 किलोमीटर पर सर्विस होती है, तो ये बस उस सर्विस के बाद में 434 किलोमीटर चली है अभी, उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। देन इसकी नेक्स्ट सर्विस जो हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था मैं बता देता हूँ आपको, एक ऑयल फिल्टर दो चीज़ें हो गई, एयर फिल्टर वो कह रहा था चेंज कर लीजिए, वैसे तो अभी चल जाएगा, नेक्स्ट सर्विस पे कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट सर्विस पे इसको चेंज करा देंगे अपन, 8 से 10 हज़ार ही चलता है लगभग ये, तो इसको चेंज कराएंगे अपन नेक्स्ट सर्विस पे, जिसकी जो भी 3-3.5 हज़ार चल जाएगी। देन जो इसके रियर ब्रेक पैड है वो इस वाली सर्विस में चेंज हो गए थे, तो मतलब वो भी 10,000 के आसपास ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी अपन ने चेंज करवाया। तो एक इसका रियर ब्रेक पैड इस बार चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर और ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी इसकी। देन इसका खर्चा भी लगभग 1500-1600 रुपये आ गया था, क्योंकि इसमें क्या है कि लेबर लगती है इसमें,
1600-1700 के आसपास आया था अराउंड, वही मतलब वही खर्चा आया था। तो उसमें क्या लेबर लगती है, इस बार 600-700 रुपये तो लेबर ही लग जाती है, इस वजह से है। नहीं तो वही लगभग नॉर्मल जो सर्विस होती है ऑयल फिल्टर की, वो अराउंड 1100-1100 रुपये करीब की होती है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और बाकी सारी कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी की, एक बार सारी वर्किंग कंडीशन है गाड़ी की। तो मैं आपको पहले एक बार साइड से लुक दिखाता हूँ उसको, पूरी अपन ने एकदम मेंटेन करके रखी हुई है। हॉर्न, हाँ एक चीज़ और, हॉर्न की क्या है इसमें दिक्कत आ जाती है कि जैसे बैटरी के हॉर्न वगैरह सही ढंग से नहीं बज रहे, तो इसने पूरा सेट किया हॉर्न वगैरह को सेट किया, तो इस वजह से आप देख सकते हैं। आप इसमें साउंड दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम साउंड सही बज रहा है, तो ये साउंड सही हो चुका है इसमें एकदम। और बैटरी अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेल्फ आराम से ले रही है ये, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। 2.5 साल करीब हो चुके हैं गाड़ी को, तो बैटरी ओके चल रही है अभी तक। क्लच वगैरह इसका वो तो टाइट हो ही जाता है हर बार। देन ये सारी बात रही इसकी सर्विस कॉस्ट की, जो मैंने आज तक जो खर्चा आया वो मैंने आपको बता दिया है चारों सर्विस का इसका, तो कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब 350 cc बाइक है, इतना तो लगभग आएगा ही सर आपको अगर चाहिए तो। वैसे इसकी अगर थोड़ी बहुत मैं डिसअपॉइंट की बात करूँ तो वही है, वैसे इसमें टेक ट्यूबलेस टायर नहीं है, तो बहुत भारी है, तो जैसे कहीं पंचर हो गई तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है इसमें, सबसे मेन दिक्कत तो यही है। और हाँ एक चीज़ और रह गई थी जो इस रिसेंटली सर्विस में ही करवाई थी, इसमें कार्बोरेटर में क्या कचरा आ गया था, उस वजह से क्या ओवरफ्लो हो रही थी ये गाड़ी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि एक बार तो आप ही करके देख लो, मतलब जैसे थोड़ा बहुत इसको यहाँ से अपन छेड़ेंगे तो हो सकता है हो जाए, या फिर इसका कार्बोरेटर का तेल जला लो फिर उसको वापस से ऑन करके देख लो। तो मैं ऐसा करके देख लिया 2-3 बार पर नहीं हुआ, वो उससे पेट्रोल ओवरफ्लो हो ही रहा था। फिर उसने क्या इस सर्विस में कार्बोरेटर को ओपन करके इसको सफाई करी, फिर वापस फिट कर दिया था ऐसे कैसे, कोई इसकी ट्यूनिंग वगैरह नहीं छेड़ी है, बस ऐसे कैसे वापस फिट कर दिया था उसको। तो एवरेज का अगर वीडियो देखना हो आपको तो इसका वो भी है। और अपन ने साइलेंसर की अगर मैं बात करूँ तो BS3 साइलेंसर लगा रखा है और गाड़ी BS4 है, तो आप देख सकते हैं। और जो इसका ये है आगे का मुंह बैंड पाइप जो होता है इसका, तो ये BS4 का ही है, बस अपन ने यहाँ से जो चेंज आता है ये BS3 लगवा रखा है। तो आपको एक बार साउंड भी सुना देंगे इसका, आपको अगर पूरा वीडियो देखना है इसका तो वो भी लिंक में दे दूंगा मैं, आई बटन में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आकर के आप देख सकते हैं। माइलेज टेस्ट वगैरह है, ABS टेस्ट है बुलेट के लगभग, और अपने जो सिग्नल्स वगैरह है उसके भी वीडियो में, मतलब इंटरसेप्टर है, KTM है, कार्स एंड बाइक दोनों के वीडियो हैं अपने चैनल पे, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो साउंड रह गया था दोस्तों, साउंड और सुना देता हूँ मैं आपको इसका, तो देख सकते हैं आप ये नॉर्मल साउंड है, टैपेट नॉइज इतनी आ रही है, कोई ज़्यादा नहीं है। और BS3 साइलेंसर है, बैंड पाइप BS4 है। अब इसका साउंड थोड़ा एक्सीलेट करके दो, पहले तो नॉर्मल सुन लो आप आराम से, अब मैं थोड़ा सा एक्सीलेट करता हूँ गाड़ी को। शानदार साउंड है और इस पर कोई चलान वगैरह भी नहीं है, तो जाकर के पूरी वीडियो देखिए, इस पर पूरी डिटेल में बताया मैंने आपको। हाँ एक चीज़ और, आपके कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जरूर बताना मुझे, जो जो भी वीडियो देख रहा है कि आप कहाँ से हैं, कि उस हिसाब से अगर अपन कभी फ्यूचर में मीटअप रखते हैं तो उससे मालूम पड़ जाए अपन को कि ज़्यादातर लोग कहाँ से हैं। वैसे मैं कोटा राजस्थान का हूँ, तो कोटा से कितने लोग हैं, जयपुर से कितने लोग हैं, दो जगह तो अपन कर सकते हैं। अगर इससे नेक्स्ट कोई चीज़ अगर कोई सिटी में करना पड़ा कोई ज़्यादा, तो उस हिसाब से अपन प्लान बनाएंगे फिर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन सी सिटी से हैं, उस हिसाब से अपन आगे का मीटअप वगैरह रखेंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इसको वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।